डे 45 में और चैप्टर संख्या 11 सॉरी क्लास 11 का चैप्टर संख्या 5 चल रहा है प्रगति का नियम, जिसमें नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं कणों की साम्यावस्था, किसी कण की साम्यावस्था। साम्यावस्था का पहले साम्यावस्था का मतलब क्या है और फिर कण के लिए साम्यावस्था क्या होगा। साम्यावस्था का मतलब होता है संतुलन। संतुलन का मतलब है कि कण में कोई परिवर्तन ना हो, स्थिति जैसी है वैसी। कोई टेबल अपने पास यहाँ रखी है तो वो यही रखी रहे, अब उस पर बल लग रहे हैं, इसको बलों की साम्यावस्था भी कह देते हैं। ध्यान रखें बलों की साम्यावस्था भी कह देते हैं, तो वो भी हम आगे एक नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। बलों की साम्यावस्था कहते तो भी वही बात है, कण की साम्यावस्था कहते तो भी वही बात है। कण की साम्यावस्था का मतलब है कि कोई कण जो है जिस स्थिति में है उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो कण क्या इसमें कहलाएगा, कण साम्यावस्था में कहलाएगा। सिंपल हम ऐसा समझ सकते हैं, डेफिनेशन में ऐसा नहीं लिखते हैं, किताबों में थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है। ये किताबों में ये इस तरह से लिखा जाता है, इसको परिभाषित करना हो तो, कि किसी कण पर आरोपित नेट बाहरी बल शून्य हो तो कण साम्यावस्था की स्थिति में कहलाता है। नेट बाहरी बल शून्य हो, अब नेट बाहरी बल का मतलब क्या होता है कि उस पे दो बल लग रहे हैं, तीन लग रहे हैं, चार लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सारे बल मिलकर क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि सारे बल मिलकर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो निरस्त कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, वो एक टेबल रखी है, एक इधर से धक्का दे रहे हैं और एक इधर से धक्का दे रहे हैं। अगर वो टेबल किसी भी साइड में खिसक जाती है तो वो टेबल एज अ पार्टिकल है, कण है, वो साम्यावस्था में नहीं है। अगर वो टेबल वही है, नहीं खिसकती है, एक इधर से बल लगा रहा है, खींच रहा है, धक्का दे रहा है, दूसरा इधर से धक्का दे रहा है, लेकिन फिर भी वो हिल नहीं रही है, एज इट इज है, कोई मोमेंट उसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इधर से लगने वाला बल और इधर से लगने वाला बल दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इधर से बल लग रहा है और इधर से बल लग रहा है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो दोनों के बीच में, दोनों विपरीत दिशा में, दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, इसलिए दोनों का टोटल क्या हो गया, जीरो। तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी कण पर आरोपित बल परिणामी बल शून्य हो, नेट बल का मान शून्य हो, ठीक है, तो कण साम्यावस्था स्थिति में होता है। किसी कण पर आरोपित नेट या कह रहे परिणामी बल शून्य हो तो वह कण साम्यावस्था में होता है। अब इसको देखो क्या करें, इसको थोड़ा सा हम ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, सिंपली कह सकते हैं कि किसी कण पर अब बल आरोपित है हो लेकिन फिर भी कण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो तो कण साम्यावस्था में होता है। अब इसके लिए क्या कंडीशंस आएंगी, अगर आप साम्यावस्था के लिए कहते हैं तो हम इनके फॉर्मूला एज ए रिलेशन हम इसको बढ़ा सकते हैं। कैसे, जैसे मान लें हम ये कहते हैं कि इस पर कोई, ये कोई टेबल है, मान लो कोई भी बक्सा है, कुछ भी है, ये कोई मैटर कुछ भी हो सकते हैं, इधर इस पर F1 फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से F2 फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या रहेगा, टोटल फोर्स क्या हो, यानी जितने भी लग रहे हैं सभी का टोटल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उससे हमें पता चल जाएगा क्या रिलेशन है। तो यहां से इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में F1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो दूसरा व्यासी कह दे कि बलों में क्या रिलेशन है, आपस में ऐसे पूछ लें कि बलों में क्या संबंध है, तो क्या संबंध है बलों में, F1 इज इक्वल टू क्या गया, माइनस F2, F2 इधर आगे माइनस हो गया तो क्या गया, इसका मतलब क्या हो गया, F1 बराबर F2, इसका मतलब दोनों बल तो बराबर है, दोनों ऐसे क्वेश्चन 12th में भी आते हैं, आवेशों से संबंधित आते हैं तो वहां पर भी ऐसे रिलेशन आते हैं। अगर यूं कहते हैं किसी वस्तु पर दो बलों का परिणामी शून्य है, उनमें क्या संबंध है, तो हमें क्या लिखना है,
हमें उससे रिलेशन फाइंड आउट करना है कि आपको ये दे दिया क्वेश्चन में, क्या जो दिया गया उसको इक्वेशन में लिख लो। हमें दिया गया दो बलों का परिणामी शून्य या दो बलों का योग शून्य है, तो एफ वन प्लस एफ टू बराबर जीरो। क्या आ गया, एफ वन बराबर माइनस एफ टू। अब हमें इसका मतलब थ्योरेटिकल लैंग्वेज में पूछा जा रहा है, जिस भाषा में जैसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, हमें उसी तरीके से उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। हमसे थ्योरी में पूछा जा रहा है कि इसमें क्या संबंध है, इसका मतलब दोनों बलों में क्या संबंध है, बीच में बराबर का निशान है, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, इट मींस F1 इज इक्वल टू F2, इट मींस दोनों बल एक दूसरे के बराबर है। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, बीच में माइनस भी आ रहा है, साथ में माइनस आ रहा है ना, माइनस भी तो कुछ बताता है, माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, माइनस क्या बता रहा है, माइनस उल्टा है, इसका मतलब कि F1 के उल्टे डायरेक्शन में F2 है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बल क्या होंगे, दोनों बल, अतः इसका निष्कर्ष क्या निकला, दोनों बल परिमाण में समान है, परंतु दिशा में क्या है, विपरीत। पहले ऐसे लिख सकते हैं इसको, दूसरी बात में कितने भी रिलेशन ले सकते हैं, कोई कहते हैं भाई तीन बल लग रहे हैं इसमें तो क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, स्थिति कैसे भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई, हम इस तरह से बना लेते हैं, ये कोई पार्टिकल है, इधर से लग रही है दो बल हो सकता है, इधर से लग रहे हैं हो सकता है, हो सकता है इधर से लग रहा है, हो सकता है इधर से लग रहा हो, कितने भी बल हो सकते हैं, हमें नहीं पता है कितने हैं। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कितना है, F1 है, ये इधर मान लेते हैं F2 है या F3 है, या हमारे पास ये डायग्राम नहीं है मान लो, तो क्या लिखा है, तीन बल लग रहे हैं लेकिन संतुलन है, तो उन बलों में क्या संबंध है, तीन बल लग रहे हैं लेकिन फिर भी संतुलन है, तो तीन बल कौन से, थ्योरी में ये लिखते हैं कि तीन बल कौन से कार्यरत हैं, तीन बल कार्यरत है F1 F2 एंड F3 कार्यरत है। अगर यू कहते हैं ये नहीं बनाया जाए तो भी, ये बनाते तो दिख ही रहा है भाई, दोनों बलों का जो योग है इसके बराबर है, सीधी सी बात, इधर दो आदमी धक्का दे रहे हैं, उधर से एक ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी टेबल नहीं खींच सकनी, इसका मतलब इधर तो दो धक्का दे रहे हैं उनके बराबर, अकेले जोर लगा रहा है उधर से, वो अकेले बोल रहे, तो क्या हो गया, दोनों इधर के दोनों का योग जो है अकेले ने संतुलित कर दिया, तो इधर के दोनों का योग उधर के अकेले के बराबर हो जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये डायग्राम नहीं है, मान लो ये डायग्राम नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि संतुलन का मतलब क्या होता है, साम्यावस्था का मतलब क्या होता है, कि टोटल बल का जो मान है वो शून्य होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर, अब देखो इसमें कितनी कंडीशन बढ़ सकती है, कितनी बढ़ सकती है, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F3 को इधर ले जाओ, तो क्या आ गया, ये हो सकता है कि F1 और F2 दोनों का योग अकेले F3 के बराबर है, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, यहां से हम F2 इधर ले जाए, F1 प्लस F3 इज इक्वल टू माइनस F2, इसका मतलब F1 और F3 इनका योग अकेले F2 के बराबर है। तीसरा F1 को इधर ले जाए या F1 को उधर ले जाओ, तो F2 प्लस F3 क्या लिख रहा हूं मैं, F2 प्लस F3 इज इक्वल टू माइनस F1 है, तो भी बात वही आ गई कि F2 और F3 का जो योग है वो अकेले F1 के बराबर है। अब इनको डायग्राम बनाना चाहें तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा भाई, इधर से कौन कौन सा बल आ रहा है, F1 आ रहा है, और कौन सा है, माइनस क्या बता रहा है, विपरीत दिशा में 180 डिग्री, माइनस हमेशा 180 डिग्री को बताता है, 180 डिग्री को बताता है, तो इधर से F3 है। यहां देखें तो अब अपने पास ग्लोब तो वही है, ये एक बक्सा तो वही है, कर्ण तो वही है, लेकिन इधर F1 लग रहा है, F1 के साथ F2 नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, F, अगर इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है तो क्या बनेगा, F3, और इधर सामने से कौन सा आ रहा है, F2 आ रहा है, तो इससे ये समीकरण बन गया, ठीक है। इसी तरह से यहां से अगर हम बात करें तो क्या आएगा, ये F2 इधर से लग रहा है, F3 भी इधर से अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब इधर से सामने से कौन सा आ रहा है, F1 आ रहा है, तब नहीं लेगा,
अगर इस बैलेंस होगा इनमें, मान लो इन दोनों का योग ज्यादा है, तो इसका अगर इन फेवर अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो फिर ये पार्ट ये तो भी नहीं रहेगा, फिर इसका मतलब वो जो कर्ण है वो साम्यावस्था की स्थिति में नहीं है। ठीक है, जब साम्यावस्था की स्थिति कह रहे हैं तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि पार्टिकल में कोई मोशन नहीं है, किसी तरह की गति नहीं है, वहां पर पार्टिकल जो है वो स्थिर अवस्था में है, बल चाहे कितने भी उस पर लग रहे हो, ठीक है, वो पार्टिकल जो है वो संतुलन में हो सकता है। इसको संतुलन की स्थिति भी कह देते हैं, साम्यावस्था इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल कहते हैं, साम्यावस्था कह देते हैं इसको, बलों की साम्यावस्था भी कह देते हैं। अगर ये लिखा दे एग्जाम में, मान लो कहीं बल जरूरत पड़ जाए अपने को, तो बलों की साम्यावस्था तो भी यही बात है, किसी कारण पर अगर एक से ज्यादा बल लग रहे हैं और सबका परिणामी शून्य है, सबका परिणामी शून्य का मतलब है रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा, बल तो लग रहा है लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा, तो उसी स्थिति में वो जो बल है वो सारे कौन सी अवस्था में होंगे, साम्यावस्था में। ठीक है, तो ये साम्यावस्था का मतलब सीधा से ध्यान रख सकते हो, देर इज नो चेंज इन पोजिशन ऑफ पार्टिकल, कण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और वो तभी नहीं होगा जब सारे एक दूसरे को संतुलित कर देंगे, जितने अप्लाई हो रहे हैं सब एक दूसरे को बराबर कर देंगे, तो कोई बल आरोपित नहीं होगा। इसको लिख लिया आप, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।